प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लक्ष्मीताल के मंदिरों को तोड़ने का मामला है, सारे धार्मिक स्थलों के तोड़ने का मामला है, अपर नगर आयुक्त के द्वारा जिस तरह से 2200 मकानों को जेडीए के द्वारा नोटिस दिए गए हैं उनको तोड़ने का मामला है, एनजीटी में जो मामला चल रहा है उसमें नरेंद्र कुशवाहा के ताऊ पिताजी और चाचा के द्वारा वो भूमि बेची गई है, उस भूमि को पुनः उन लोगों को नोटिस दिलवा करके वो अवैध तरीके से नरेंद्र कुशवाहा वसूली करना चाहते हैं और इन लोगों से 65 लाख रुपये, पहले 50 की मांग कर रहे थे अब 65 लाख की मांग कर रहे हैं, तो उन मकानों को किसी भी हालत में अपर नगर आयुक्त चाह लें, चाहे तहसीलदार चाह लें, चाहे जेडीए चाह लें, ना तो वो मकान टूटेंगे, ना कोई भी मंदिर टूटेंगे, ना कोई धार्मिक स्थल टूटेगा, ये हम लोगों का प्रण है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे, जो उनकी इच्छा हो वो करें और नरेंद्र कुशवाहा को भी इस एनजीटी के केस से बैक होना पड़ेगा क्योंकि उनके द्वारा जबरदस्ती झांसी के माहौल को पूरे को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और वो झांसी छोड़ के भी चले गए हैं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जिनके पिताजी जमीन बेच जाते हैं बाद में, ऐसे जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐसे लोग हम तो ये कहेंगे निश्चित रूप से झांसी वासियों की गाली और बाकी अन्य चीज़ों के ही पात्र हैं, उनकी पूजा ही ढंग से होनी चाहिए यहाँ पर और इसको हम लोग नहीं टूटने देंगे, ये हमारा प्रण है।